आम इंसान को एक अच्छी सोच तक उसकी ड्रीम को अचीव कर पाए और मैं आगे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि हमारे बीच में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर एंड आप सोचिए कि वी फैमिली ने हम एक ऐसी शख्सियत एक ऐसी दिग्गज पर्सनैलिटी को सुनने का मौका मिलने वाला है हमारे दिगंबर सर माइडियर फ्रेंड्स आज सैकड़ों किलोमीटर दूर से उन्होंने अपना बहुत ही प्रेस्टिजियस बहुत ही वैल्यूबल टाइम हम सभी के लिए दिया हुआ है और मैं सभी को बोलना चाहूंगी एक प्यारी सी थम्सअप और प्यारी सी क्लैप के साथ में हम सभी ऑनलाइन वेबिनार में कॉल करना चाहेंगे तो प्राउड 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 द इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर एंड प्लस प्लेटिन अं, मिस्टर दिगंबर सर हम सभी की तरफ से और ऑल वी नारी शक्तियां ऑल वी काउंसिल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू तो ऑल आईटीसी सभी की तरफ से दिगंबर सर आज की वी फैमिली के सेशन में आपका बहुत-बहुत really स्वागत है मोस्ट वेलकम दिगंबर सर मोस्ट वेलकम थैंक यू थैंक यू मैडम जी थैंक यू नीलिमा मैडम वेलकम सर वेलकम सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच सुपर होस्टिंग नीलिमा मैडम रियली अप्रिशिएट वटली वेलकम सर बहुत-बहुत स्वागत वी फैमिली में आपका थैंक यू थैंक यू रत्नेश सर थैंक यू वेरी मच सर आवाज आ रही सर क्लियर आ रही ओके 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 यस दोस्तों नमस्कार वी फैमिली वी नारी शक्ति को मेरा दिल से नमस्कार है तो दोस्तों माय सेल्फ दिगंबर सोनो ने लाइव फ्रॉम नासिक स्टेट महाराष्ट्र तो so, दोस्तों आज सच में मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि दोस्तों मैं आज अभी एक ऐसे ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट हो रहा हूँ जो ग्रुप का दोस्तों में सच में एक बड़ा फैन हूं मेरा फेवरेट ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है वी फैमिली। दोस्तों एक आ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वी फैमिली के साथ में मेरा कुछ शेयरिंग्स आपके साथ में दोस्तों मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल आई टू थैंक्स वी फैमिली के फाउंडर लीडर एम आई आई टी सी हार्वे सक्सेस एकेडमी के नंबर वन ट्रेनर माय फेवरेट गुरु मिस्टर मोहित जी टंडन सर यस सर तो सर आपने मुझे इन्वाइट किया आपके ग्रुप के लिए बहुत बहुत थैंक्स है तो सर उन्हीं के साथ में उनके मैडम वी नारी शक्ति के फाउंडर लता टंडन मैडम जी को मैं दिल से नमन करता हूँ मैडम जी आज तो आपने तो रिकॉर्ड ही किया है गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ होल्डर हो और मैडम जी तो आपको एक आयरन आयरन लेडी लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है मैं मैडम जी को भी नमन करता हूं। और दोस्तों उन्हीं के साथ में दोस्तों मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्तों उनके ट्रेनिंग्स एजुकेशन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस और दोस्तों वो ऑथर भी है ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी एम आई तो सच में मेरे गुरु भी है मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसे एक ग्रेट लीडर मिस्टर जी सर, सर, सर मुझे मुझे इनवाइट किया और मेरे कुछ शेयरिंग शेयरिंग आपके सामने एक प्रेजेंट करने का मौका दिया थैंक यू दुर्गेश सर दोस्तों उस उसी के साथ में जो अपने लीडर हैिटी छिंदवाड़ा की आन बान शान हमारे अच्छे मित्र भी हैं दोस्तों अच्छे वो ट्रेनर भी हैं लास्ट अभी लॉकडाउन में दोस्तों उनका ट्रेनिंग मैंने भी लिया बहुत ही शानदार ट्रेनिंग था ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी सी लीडर मि मिस्टर लीडर रत्नेश तिवारी सर उन्हीं के बाद में उसी लीडर जो दोस्तों अभी आपने उनका प्लान देखा अमित सर रियली अमित पांडे सर बहुत ही जबरदस्त प्लान सर आपने दिया मैं बहुत इंप्रेस हुआ मतलब मेरे कुछ लीडर्स अभी आपका प्लान सुन रहे थे तो मुझे वहां से मैसेज कर रहे कि सर प्लान कितना बढ़िया चल रहा है, है पीपीडी मिलेगा क्या मुझे तो मैंने बोला मैंने अमित सर, सर से मांग लेंगे तो उन्हीं के साथ में बहुत 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 धन्यवाद सर <laughs> उन्हीं के साथ में सी लीडर अपने संजय पांडे सर ऑल वी uh, जो दोस्तों आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने अमित सर का प्लान आज फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर को मैं दिल से वंदन करता हूँ आपका तो 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 एक, एक प्रेजेंट करना चाहूंगा ठीक तो है दोस्तों आज आप मुझे देख रहे हैं एज अ आई टी सी प्लस प्लेटिनम एग्जीक्यूटिव दोस्तों अमित सर ने बताया ही कि इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप रैंक बढ़ती है तो दोस्तों आज मैं जिस रैंक पे हूँ उसका नाम है दोस्तों आई इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर उसको, उच, उसको करने के लिए करोड़ और प्लस दोस्तों में प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव हूं मतलब काम कर रहा हूँ जैसे अमित सर ने बताया कि चार लेग में आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है रैंक मिलता है तो वो क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों आज में जो आपके सामने ITC Platinum लेकिन दोस्तों शुरू के दिनों का जो मेरा में करना चाहता क्योंकि दोस्तों, आज मुझे सच में मैंने पहले भी कहा मोहित टंडन सर एंड दुर्गेश त्रिपाठी सर ने मुझे मौका दिया है तो दोस्तों आई विल ट्राई माई बेस्ट और दोस्तों मैं में सच में फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा मुझे पांडे सर का कॉल आया कि दिगंबर भाई, आपका PPS, आपके टीम में पीपीएसएस एस एल एसलगाना है तो आप कौन से लीडर चाहते हो तो दोस्तों मेरे फर्स्ट थ्री में दोस्तों दो नाम थे एक थे अपने मोहित टंडन सर और दूसरे थे दुर्गेश त्रिपाठी सर मतलब दोस्तों मेरी टीम उनसे बहुत इंस्पायर होती है उन्हीं के ट्रेनिंग के बदलो दोस्तों मेरा इनकम भी अच्छा सेट हुआ है और टीम भी अच्छा बाइंड हुआ है तो सो लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स तो अपन जाते हैं दोस्तों मेरा एक सक्सेस uh, जर्नी है ए, मैं जब बिजनेस में मैं कैसे आया जो जब मैं क्या था कैसे दिखता था और मैंने इस बिजनेस से कैसा प्रोग्रेस किया कैसा अचीवमेंट किया मैं वो अभी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ सो so, मैं पीपीटी शेयर कर अमित सर यस सर यस रत्न सर स्क्रीन शेयर हो रहा है यस सर यस सर यस सर स्क्रीन शेयर हुआ सर यस 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 सर ओके ओके थैंक यू वेरी मच सो माय सेल्फ दिगंबर सोनोने नाउ आई एम आईटीसी प्लस प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव इन माय लाइफस्टाइल और दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ दोस्तों नासिक में लेकिन दोस्तों मैं प्रॉपर हूँ एक शिरपुर दोस्तों एक मेरा छोटा सा गांव है एक छोटे तहसील से दोस्तों मैं बिलोंग करता था तहसील है महाराष्ट्र के दुलिया, तो दोस्तों दिनों में दोस्तों, जब दोस्तों मैंने की शुरुआत की मैं कैसे आया पहले क्या करता था तो दोस्तों वो भी मैं आपके सामने में शेयर करूंगा दोस्तों एज ऑफ ट्वेंटी टू दोस्तों जब मेरी उम्र थी बाईस साल तब दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी एज ऑफ ट्वेंटी टू दोस्तों एक कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों में था तब बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी और दोस्तों मेरा एजुकेशन हुआ है यस डियर फ्रेंड्स दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एमएससी जब दोस्तों में एपियर था तब दोस्तों मुझे एक मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जो दोस्तों एमएससी बायो टेक्नोलॉजी मेरा फ्रेंड था दोस्तों उसने मुझे बिजनेस को दिखाया था देखो दोस्तों ये फोटो आप देख रहे हैं मतलब मैं एज ऑफ में दोस्तों इस बिजनेस में मैं आया था तब दोस्तों इस बिजनेस में बच्चा था मतलब कुछ भी दोस्तों ज्ञान नहीं था मेरे पूरे परिवार में एक वो बोलते ना नेटवर्क मार्केटिंग का किसी को एन भी दोस्तों पता नहीं था मतलब फ्रेशर बंदा था कोई भी एक्सपीरियंस थी नेटवर्क मार्केटिंग का और दोस्तों मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा एज ऑफ ट्वेंटी टू और दोस्तों उस समय दोस्तों मेरी खुद की क्लासेस भी थी मतलब दोस्तों मैं खुद टीचर भी था इलेवंथ एंड ट्वेल्थ दोस्तों मैं बच्चों को पढ़ाता था। दोस्तों मेरी कॉलेज जब चल रही थी तब की की दोस्तों। दोस्तों, महीने का कितना कमाता है ये दोस्तों आपको अच्छे से पता है दोस्तों, मेरे पापा महीने का दस पंद्रह हजार रुपए कमाते थे और आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों कि दस पंद्रह हजार में घर चलता नहीं है चलाना

वो आज माई में नहीं है देखो दोस्तों ऐसा होता है शायद अपने को लाने वाला दूसरा होता है संभालने वाला तीसरा होता है तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ दोस्तों मुझे लाया मेरे करीब के दोस्त ने दोस्तों ये ये जो जो फोटो फोटो है मेरा मेरा जब मेरी हुई थी ये मेरा तब का टायर लगा के मैं बैठा मेरा फ्रेशर पार्टी था मेरे कॉलेज में तो फ्रेशर पार्टी का ये फोटो है दोस्तों हम चारों लोगों ने फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान देखा था मुझे लाने वाले मेरे जो लेफ्ट में बैठे उन्होंने मुझे बिजनेस में लाया लेकिन दोस्तों मुझे ला उन्होंने छोड़ दिया

दोस्तों उन्होंने मुझे लाया नहीं लेकिन दोस्तों उनके एजुकेशन के कारण दोस्तों आज मैं आज स्टेज पे हूँ जिनको देख के दोस्तों मैंने इस बिजनेस को दोस्तों करियर लगाया और दोस्तों ये बिजनेस में मैं ऑल टाइम काम करना शुरू किया ऐसे मैंने मेरे लाइफ क्रिएटर माय मेंटर माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर किशोर जी आ सर को मैं दिल से वंदन करता हूँ दोस्तों तो दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूँ दोस्तों

इन्हीं के बदौलत है दोस्तों दोस्तों उनके बाद दोस्तों आज अपने को पता ही दोस्तों नारी शक्ति क्या कर सकती है दोस्तों ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन यूटीसी लेडी लीडर मैडम फंसाल जी को मैडम मृणाल फंसाल जी को भी मैं तो दिल से नमन करता हूँ तो उन्हीं को देख के आज मेरी टीम भी दोस्तों आज बोल रही है जो आज दोस्तों मेरे टीम में फिफ्टी परसेंट रेशो लेडीज का है जैसे दोस्तों देखा जाए कि आज लेडीज कितना अग्रेसिव है कितना जबरदस्त तो अचीवमेंट हो रहा है दोस्तों उसका बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों हमारे मैडम मृणाल फंसाल जी है

MSc के साथ बहुत सारे एग्जाम का तैयारी किया ट्यूशन भी दिया सब कुछ दिया और ये तू क्या करने लग गया ये लोगों को पकड़ने का काम कब से तूने शुरू कर दिया दोस्तों में मेरे परिवार को बोलता था कि मुझे तो आप बिजनेस करने दो दोस्तों मेरे परिवार वाले मुझे बोलते थे कि बेटा तू ये बिजनेस मत कर क्योंकि ऐसी कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता है ऐसी कंपनी बहुत आई और बहुत चली गई ऐसा कुछ होता नहीं पैसा कुछ मिलता नहीं लेकिन दोस्तों मैं शुरू के दिन में दोस्तों बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता था क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट नहीं था क्योंकि दोस्तों आप भी कुछ लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर हो गए ना दोस्तों अपने अपने कोई बिजनेस समझ में आता है लेकिन दोस्तों अपने परिवार को समझता नहीं है लेकिन दोस्तों उसी टाइम पे दोस्तों 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 मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट हुआ था 2011 में दोस्तों, दोस्तों मैं इस में इस बिजनेस लखपति बनाता मतलब मैंने एक लाख रुपए इनकम दोस्तों मैंने लिया था लेकिन दोस्तों मुझे पता है वो दिन भी कि मैंने एक लाख रुपए इनकम के लिए दोस्तों मुझे साल लग गया था एक साल के बाद एक लाख रुपए आए लेकिन दोस्तों मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन अपनी कहानी बनेगी एक ना एक दिन तो अपनी जिंदगी बदलेगी तो दोस्तों मेरा जब सम्मान था ना तब मैंने मेरे पेरेंट्स को दोस्तों स्टेज के ऊपर बुलाया तब का दोस्तों ये फोटो है और उनको विश्वास मैंने दिया कि आपका बेटा एक ना एक दिन कुछ तो करेगा मेरे से मिलाया क्योंकि दोस्तों अपना फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दोस्तों अपने बिजनेस में बहुत जरूरी है अपना फैमिली का दोस्तों इन्वॉल्वमेंट अपना बिजनेस में बहुत जरूरी है और दोस्तों को, को दो, दोस्तो, दोस्तो, शुरुआत कर दी और दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत सारे दोस्तों इनिशियल फेज में बहुत मैंने वर्किंग किया दोस्तों क्योंकि शुरू के दिनों में इस बिजनेस में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है मेहनत ज्यादा होती है क्योंकि दोस्तों में ऐसे एरिया में काम में करता था दोस्तों जिस एरिया में दोस्तों 200 किलोमीटर तक कोई PC नहीं थी 200 किलोमीटर तक कोई सेमिनार नहीं था दोस्तों मैं इतना रूरल एरिया में दोस्तों में काम करता था तो दोस्तों मेरे इनिशियल फेज के फोटो है कि दोस्तों में जब मैं सेमिनार लेता था दोस्तों तो मैं खुद ही होस्टिंग करता था मैं खुद ही प्लान लेता था और दोस्तों में खुद ही क्लोजिंग भी करता था दोस्तों शुरू के दिनों में दोस्तों ये मेरे फोटोज हैं जब दोस्तों मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी बहुत हार्ड वर्क किया दोस्तों क्योंकि तो दोस्तों मुझे पता था कि यदि मैं इस बिजनेस में तीन साल का भी टिक गया तो मेरी जिंदगी बदलेगी तो दोस्तों ये मेरे शुरू के दिनों के दोस्तों फोटो है दोस्तों मैं ऐसे छोटे छोटे सेमिनार दोस्तों मैंने लेना शुरू कर दिए एक क्वांटिटी पीपल को लाना मैंने शुरू कर दिया क्योंकि तो दोस्तों मेरे अपलाइन मुझे बोलते थे कि यदि तुझे बिजनेस में आगे जाना है तो लोगों को लाना पड़ेगा हॉल भरना पड़ेगा दोस्तों मेरे अपलाइन का एक सेंटेंस बहुत बढ़िया है

अच्छे रैंक पे जाना है तो दोस्तों आपके अंदर एक्साइटमेंट होना जरूरी है दोस्तों हम नाचते थे लोगों को दिखाते थे कि हम कितना खुश है कितना पैसा आ रहा है दोस्तों ये बिजनेस की जरूरत होती है दोस्तों दोस्तों तो ऐसे काम करते 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 दोस्तों मेरा अचीवमेंट होने लग गया और मुझे विश्वास आने लग गया तो दोस्तों मैं बिजनेस में फुल टाइम काम करना मैंने शुरू कर दिया पहले पार्ट टाइम था पहले क्लासेस भी दोस्तों में लेता था एक साल तक दोस्तों मैंने क्लासेस चल रही लेकिन जब दोस्तों मेरा इनकम चालीस हजार पचास हजार रुपए महीने का आने लग गया तो दो, दोस्तों मैंने क्लासेस को बंद कर दिया और महागुरु दोस्तों, दो, दोस्तों का, का महा किशोर अहिज सर आए थे और उन्होंने मुझे तभी दिया था विश्वास कि दिगंबर तू आज एस टी सी बना है यदि तू और थोड़ी मेहनत करेगा तो एक दिन तेरी भी जिंदगी बदलेगी क्योंकि दोस्तों वो विश्वास जरूरी है दोस्तों दोस्तों तब मैं बच्चा था दोस्तों तो हमेशा कहता हूँ दोस्तों में शुरू में दोस्तों इस बिजनेस में बच्चा था थोड़ा कच्चा था लेकिन दोस्तों सच्चा था मैं सच्चा था दोस्तों मेरे माय लाइफ के प्रति बहुत सच्चा था तो दोस्तों मैंने एसटीसी बनने के बाद दोस्तों और हार्ड वर्क करना शुरू किया दोस्तों मैंने और हार्ड वर्क करना शुरू किया तो दोस्तों मेरी कुछ अचीवमेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ठीक है दोस्तों मेरा आज शेयरिंग है ये आप मुझे दोस्तों मेरी अचीवमेंट क्या हुई मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों में एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था दोस्तों मेरे पास दोस्तों खुद की टू व्हीलर तक नहीं थी दोस्तों यस डियर फ्रेंड्स आज आप देख रहे हो बेंच आपने देखा होगा मेरा फोटो अभी नीलिमा मैडम ने मुझे कॉल किया कि मर्सडीज बेंच का ओनर अमित सर ने बोला कि मर्सडीज बेंच का ओनर लेकिन दोस्तों वो दिन में दिन कैसे भूलू दोस्तों मैं जब मेरा इस बिजनेस दोस्तों मेरा पहला टू व्हीलर लिया था दोस्तों दोस्तों ये जो आप टू व्हीलर देख रहे हैं ना तो बजाज की सिटी हंड्रेड है दोस्तों दोस्तों दोस्तो दोस्तो, नहीं नहीं दोस्तो। नहीं नहीं के लिए लेकिन दोस्तों के 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 की शुरुआत दोस्तो की दोस्तों मुझे आज भी याद है दोस्तों मेरा दो हजार बारह में दोस्तों मेरा उन्नीस हजार का पेट बना था दोस्तों एक बड़ा तो दोस्तों मैंने वो उन्नीस हजार का प्योट जैसे बनाना दोस्तों मैंने मेरा बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए टू व्हीलर लिया घर वालों से पैसे नहीं मांगे दोस्तों घर वाले उतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे दोस्तों दोस्तों मैंने ये टू व्हीलर से बिजनेस की शुरुआत की थोड़ी मेहनत किया रात दिन वर्क किया और दोस्तों मैंने मेरी जिंदगी की मेरे जिंदगी की फर्स्ट फोर व्हीलर टाटा इंडिका डीएलएस दोस्तों जितना खुशी मुझे मर्सिडीज लेने में नहीं हुई ना उससे दोस्तों कई गुना ज्यादा खुशी दोस्तों मुझे ये गाड़ी लेने में हुई थी क्योंकि दोस्तों मेरे पूरे परिवार में किसी के पास दोस्तों फोर व्हीलर नहीं थी मेरे परिवार में किसी ने लाखों रुपए देखे नहीं थे दोस्तों मेरे पापा दिन रात मेहनत करते थे और हमको पालते थे दोस्तों दोस्तों जब मैंने ये कार घर पे लेके आया ना दोस्तों तब मुझे बहुत खुशी हुई मैंने जैसा अभी भी कहा कि मुझे मर्सिडीज देने के बाद भी नहीं खुशी हुई थी दोस्तों

मेरी जिंदगी की दोस्तों दो हजार चौदह में दोस्तों मैंने दोस्तों ये मेरा सेकंड दोस्तों मैंने फोर व्हीलर लिया जिसका नाम है इंडिका विस्टा दोस्तों मैंने ये कार नहीं उठाई थी इंडिका विस्टा दोस्तों इंडिका विस्टा के ऊपर भी दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया क्योंकि दोस्तों मुझे बताया था दोस्तों मेरे अपलाइन ने शुरू के दिनों में हार्ड वर्क करना पड़ता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हंड्रेड परसेंट तेरे भी दिन बदले हंड्रेड परसेंट बदलेगा तीन साल टिकना है लेकिन एक बात भी मुझे समझाई थी तीस साल की कमाई यदि तीन साल में करनी है तुझे यदि तीस साल की कमाई यदि तीन साल में करनी है तो तेरी तीस साल की मेहनत भी तुझे तीन साल में करनी पड़ेगी तो दोस्तों मैंने मेरा माइंड में दोस्तों फिर रात दिन दोस्तों मेहनत किया और दोस्तों मैंने ये इंडिका को दोस्तों मैंने कम से कम दोस्तों सवा से डेढ़ लाख किलोमीटर घुमाया और दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैंने थर्ड फोर व्हीलर कार ली दोस्तों उस कार का नाम में फोर दोस्तों मैंने नौ लाख रुपए की कार मेरी तीसरी कार दोस्तों मैंने हर एक से, सव... से डेढ़ साल में दोस्तों मैंने कार लेना शुरू कर दिया चा... कार चेंज करना शुरू कर दिया क्योंकि तो दोस्तों मेरा टीम बढ़ने लग गया और दोस्तों मुझे पता था यदि टीम बढ़ रहा है इनकम बढ़ रहा है तो अपने को भी अपडेट होना जरूरी है अपने को भी अपडेट होना जरूरी है तो दोस्तों मेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होना शुरू हो गई

दोस्तों मेरी जिंदगी की फोर्थ कार दोस्तों में आ गई दोस्तों ये मेरी चौथी कार थी दोस्तों चार पांच साल में उसका नाम है दोस्तों मैंने मैं मेरे परिवार को दोस्तों नहीं लेके गया दोस्तों ये कार लेने दोस्तों मैं मेरे टीम को लेके गया क्यों लेके गया कि उनको दोस्तों मैंने विश्वास दिया वहां पे यदि ये मेरे साथ में हो रहा है तो 100% ये आपके साथ भी होगा दोस्तों ऐसा कहते हैं ना एक जला हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है एक बुझा हुआ दिया दूसरे को जला नहीं सकता है दोस्तों मैंने मेरी टीम को साबित कर दिया कि देखो आपके सामने मैंने शुरुआत की थी टू व्हीलर से देखो कैसी जिंदगी बदल रही है और दोस्तों मैं उनको विश्वास देता था कि ये सिर्फ बिजनेस में होगा ये कोई नौकरी में नहीं होगा उनको मैं हमेशा मेरी टीम को दोस्तों बोलता था कि नौकरी आप भले कितनी भी बड़ी कर लो नौकरी आप भले कितनी भी बड़ी कर लो वहां पे आप नौकरी रहेंगे लेकिन धंधा भले कितना भी छोटा हो धंधा भले कितना भी छोटा कर लो वहा आप मालिक बनेंगे यहाँ पे आपको मालिक बनने का चांस मिल रहा है नौकरी में आप नौकरी रहने वाले हैं तो दोस्तों उनको मैंने विश्वास दिया वो दोस्तों ये दोस्तों मेरे सौरभ संदान सर जो मेरे आई डी एन टी सी लीडर दो आई डी एन टी सी है दोस्तों वो थे एस टी सी तब उनको मैंने यमपी से मेरे गाँव बुलाया था दे, देख भाई सौरभ भाई यदि मेरे लाइफ में हो रहा है तो हंड्रेड परसेंट आपके लाइफ में भी होगा तो दोस्तों अपने को ही अपने टीम को कॉन्फिडेंस देते आना चाहिए तो दोस्तों एक जीरो से देखो मेरे थोड़े पिछले दिन देखो दोस्तों आप थोड़ा फ्लैशबैक जाओ क्या था दोस्तों मेरे पास जब मैंने शुरुआत की थी दोस्तों कुछ भी नहीं था लेकिन दोस्तों देखो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मेरी जिंदगी दोस्तों बदलना शुरू हो गई और दोस्तों मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आना शुरू हो गया क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं ना तो दोस्तों ऐसा कहते हैं ना कि लाइफ में जब पैसा दोस्तों आना शुरू होता है तब अपना दिखना भी बदल जाता है अब देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ दो हजार की फोटो मैंने आपको दिखाई तब मैं कैसा था मतलब जो बोलते ना मतलब ऐसे गाल बिल पूरे अंदर गए हुए क्योंकि वो तब टाइम पे मेहनत बहुत थी तब टाइम पे लोग कोई सुनता नहीं था लेकिन देखो दोस्तों जैसा जैसा पैसा आना शुरू होता है वैसा अपने लाइफ में भी परिवर्तन होना शुरू होता है दोस्तों मेरा लाइफ दोस्तों परिवर्तन होना शुरू हो गया दोस्तों उसके बाद उसके बाद दोस्तों वो दिन दोस्तों मेरे लाइफ में आ गया दोस्तों जिस दिन का दोस्तों में बहुत दिन से इंतजार कर रहा था दोस्तों दोस्तों मुझे पता था मुझे आयर सर ने मुझे बताया था कि दिगंबर तुझे खाली तीन साल चार साल टिकना है जैसा मैं ऑडी लेके घूम रहा हूँ तू भी हंड्रेड परसेंट घूमेगा तू भी हंड्रेड परसेंट जरा भी हंड्रेड परसेंट होगा और दोस्तों वो दिन मेरे लाइफ में दोस्तों आ गया छब्बीस जनवरी दो हजार अठारह के दिन दोस्तों मैंने यही नासिक से दोस्तों मेरा ड्रीम कार परचेस किया और दोस्तों उस कार का नाम है और दोस्तों उसकी कीमत है पचास लाख रुपए यस माय डियर फ्रेंड्स दोस्तों एक दिन था दोस्तों मेरे लाइफ में कि मेरे पास शुरू के दिनों में दस हजार रुपए भरने के लिए नहीं थे लेकिन दोस्तों आज का दिन दोस्तों देखो आप देख रहे हो दोस्तों आपके सामने दोस्तों ये फोटो है दोस्तों ये मेरा ड्रीम कार है दोस्तों जो आपके सामने है दोस्तों दोस्तों मुझे ये खुशी हुई दोस्तों जब दोस्तों ये कार मेरे घर पे लेके गया ना दोस्तों जब ये कार मेरे घर पे लेके गया दोस्तों मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है मेरी मिसेस बहुत खुश हुई और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ के पास दोस्तों नहीं दोस्तों ये कार दोस्तों मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास नहीं सिर्फ एमएलए को छोड़ा दोस्तों तो दोस्तों किसी के पास दोस्तों ये कार नहीं और दोस्तों उस दिन दोस्तों मुझे रात को नींद नहीं आई दोस्तों मैं बहुत रोया वो दोस्तों और कहते ना कि खुशी के दोस्तों आंसू दोस्तों मेरे लाइफ में थे खुशी के आंसू दोस्तों वो मेरे लाइफ में थे कि यार क्या था मैं जिसके पास टू व्हीलर भी नहीं थी ये बिजनेस में आने से पहले जिसके पास टू व्हीलर भी नहीं थी यदि वो लड़का दोस्तों खुद की 50 लाख रुपए की मर्सडीज में घूम रहा है की। दोस्तों ये आपके साथ भी दोस्तों ये होगा थोड़ा दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा बात में शेयर करना चाहता हूँ कि बिजनेस और नौकरी में क्या डिफरेंट है थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों मुझे वो दिन आज भी पता है दोस्तों जब दोस्तों में नासिक गया दोस्तों में जब नासिक गया ना आ, अपना मर्सडीज बुक करने के लिए दोस्तों में जब मैं नासिक गया मर्सडीज बेंच बुक करने के लिए तो मैंने शोरूम में एंट्री किया शोरूम में एंट्री करने के बाद वहां पर कुछ लड़कियां आई मेरे आ, मेरे पास बैठे और उन्होंने बताया कि सर आप कौन सी गाड़ी बुक करना चाहते हो क्या लेना चाहते हो तो मैंने मैं बैठने के बाद दोस्तों वो जो वहां के कुछ लेडीज मेरे पास आए और उन्होंने दोस्तों मुझे पूछा कि सर आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो तो मैंने उनको बताया कि मुझे मर्सिडीज़ बेंच सी मॉडल लेना है तो दोस्तों उन्होंने मेरा नाम पूछा कहा रहते हो ये पूछा और दो, दो, दोस्तों उन्होंने लास्ट में एक बात पूछी कि सर आप मर्सिडीज़ बेंच ले रहे हो no, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सा बिजनेस करते हो दोस्तों उसने मुझे बात पूछी कि सर आप कौन सा बिजनेस करते हो उसने गलती से नहीं पूछा कि आप कौन सी नौकरी करते हो मतलब उसको भी पता है नौकरी वाला मर्सडीज ले नहीं सकता है मर्सडीज तो वही बंदा ले सकता है जो बिजनेस करता है दोस्तों तब मुझे बात समझ में आ गई कि बिजनेस में क्या ताकत है अपना क्या स्टेटस बदल गया दोस्तों मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूं चाहे तो मैं जॉब भी कर सकता था दोस्तों तो आज भी मुझे कम से कम पांच छह लाख का पैकेज रहता जो दोस्तों मेरे जो कॉलेज थे कॉलेज के दोस्तों दोस्त लोग थे ना दोस्तों उनको मैं अपना बिजनेस बताता था तो वो मेरी बात सुनते नहीं थे वो कहते कि ऐसी कंपनी का कोई भरोसा नहीं ये तो लोगों को टोपी पहनाने का काम है ये तो लोगों को फसाने का काम है ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन दोस्तों जिन्होंने तब मेरी बात नहीं सुनी ना दोस्तों वो आज भी वो नौकरी कर रहे हैं उनको दोस्तों जितना साल का पैकेज है ना उससे ज्यादा दोस्तों मेरी महीने की इनकम है देखो दोस्तों एक डिसीजन अपने लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकता है दोस्तों ये सब बेस्ट एग्जांपल दोस्तों आपके सामने है दोस्तों ये सब दोस्तों मेरे लाइफ में दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों होना शुरू हो गया और दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं जैसे दोस्तों अभी अमित सर ने दोस्तों आपको बताया होगा दोस्तों अमित सर ने दोस्तों आपको बताया होगा कि इस बिजनेस में कम से कम हफ्ते का आता है बारह रुपए और ज्यादा से ज्यादा आता है दो लाख दस हजार रुपए। और दोस्तों वो दिन भी दोस्तों मेरे लाइफ में आ गया अट्ठाईस ग्यारह दो हजार पंद्रह दोस्तों वो डेट थी जो आप चेक के ऊपर देख रहे दोस्तों अट्ठाईस ग्यारह दो हजार पंद्रह के दिन दोस्तों मेरा दोस्तों फर्स्ट सीलिंग दोस्तों लग गया दोस्तों महीने भी दोस्तों इस बिजनेस में दो में ही दोस्तों दो लाख दस हजार रुपए दोस्तों महीने इस बिजनेस से दोस्तों मेरी इनकम दो लाख दस हजार और दोस्तों मेरा पहला सीलिंग 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 जब लगा था ना दोस्तों 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 बैक बैक टू तीन मैंने लगाए थे मतलब हमारे ग्रुप में रिकॉर्ड फर्स्ट सीलिंग के बाद में लगातार तीन सीलिंग कि क्या, था। मेरी थी। मेरे पापा क्या काम करते थे देखो दोस्तों परिवर्तन कैसा हो रहा है चार साल पांच साल के बाद दोस्तों कैसी जिंदगी बदल रही है दोस्तों वो आपके सामने है दोस्तों में आज के डेढ़ साल पहले का काउट देख रहा हूँ दोस्तों आज के डेढ़ साल पहले एक थोड़ा मैं डिस्टर्ब एक नॉर्मल वन मिनट ओनली एक मिनट ओके okay, सॉरी एक थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था ओके नो प्रॉब्लम तो दोस्तों ये दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों कि 2000 दो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, वीक नंबर 290 293 मतलब आज के मतलब आपकी डेढ़ साल पहले का दोस्तों ये प्योट मेरा देखो दोस्तों ये मेरा डेढ़ साल पहले का दोस्तों ये प्योटे नियर अबाउट माय डियर फ्रेंड्स नो लाख रुपए ये देखो दोस्तों आपके सामने है मतलब दोस्तों आज के डेढ़ साल पहले ही में नौ लाख दस लाख को दोस्तों टच हो गया था आठ लाख नौ लाख आठ लाख नौ लाख तब दोस्तों में था तब दोस्तों में था प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव और दोस्तों मुझे हर साल दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है यार कैसे पॉसिबल है दस हजार रुपए भरने के बाद में इतना पैसा दो लाख दस हजार रुपए क्या प्रूफ है दोस्तों में प्रूफ के साथ में आज आपके सामने बात करूंगा प्रूफ के साथ में दोस्तों में बात करूंगा दोस्तों ये मेरे पापा का नाम है मुरली सुभाष मुरलीधर सिंपी अप्रिशिएट दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दोस्तों में हर साल दोस्तों टैक्स पेड करता हूँगरी और दोस्तों में, में, दोस्तों में दो हजार सोलह में शामिल हो गया था दोस्तों ये दोस्तों आप देख रहे वी अप्रिशिएट एप्रिशिएट टैक्स पेयर इन कैटेगरी इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिब्यूशन ऑफ टैक्सेस टूअर्ड बिल्डिंग ऑफ दिस ग्रेट नेशन दोस्तों ये आपके सामने है दोस्तों दोस्तों उसके बाद दोस्तों में कंफ्यूजन होता है जो कुछ नए लोग देख रहे होंगे ना आज का जी उन्होंने समझा होगा इन्होंने प्लान तो देखा है अमित सर ने बहुत बढ़िया प्लान दिया नीलिमा मैडम ने बहुत बढ़िया होस्टिंग किया और मैं अभी बात कर रहा हूँ कि दस हजार रुपए में दो लाख दस हफ्ते का कैसे आता है सर दस लाख रुपए महीना सच में आता है सर आप सच बोल रहे हैं क्या आपके पास क्या प्रूफ है दोस्तों ये प्रूफ आपके सामने है दोस्तों ये मेरा जीएसटी बिल है दोस्तों ये मेरा जीएसटी नंबर है 27 CKHPS22811ZL दोस्तों आप के एमपी में हो आप जहां भी बैठे हो ना दोस्तों किसी भी सीए के पास जाके दोस्तों ये मेरा जीएसटी नंबर दिखा सकते हो और उनको बोल सकते हो क्या सच में ये बंदा 10 लाख रुपए महीने का कमाता है क्या सच में दो दो लाख रुपए जीएसटी पेड करता है क्या क्योंकि धो धो सच बोलू ना दोस्तों हम लीडर लोगों को सच बोलने के लिए दोस्तों टाइम नहीं है झूठ की बात अलग है दोस्तों झूठ की बातें अलग है दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों मेरा जीएसटी का बिल है दोस्तों में पिछले डेढ़ साल से ही दोस्तों हर महीना डेढ़ लाख पौने दो लाख दो लाख रुपए दोस्तों में जीएसटी हर महीना दोस्तों में पेड करता हूँ और दोस्तों ये मेरा सिंगल आईडी का जीएसटी दोस्तों दोस्तों मेरा अभी दोनों आईडी दोस्तों मेरा अभी इनकमिंग एनपीसी है मेरे तीन आईडी दोस्तों अच्छे रैंक पे हैं प्लस दोस्तों में चार लेग में दोस्तों, काम कर रहा हूं। दोस्तों ये बिफोर लॉकडाउन की बात दोस्तों मैंने बताई जो अचीवमेंट दोस्तों मैंने आपके साथ में शेयर किया ना दोस्तों वो मैंने बिफोर लॉकडाउन का शेयर किया जब दोस्तों लॉकडाउन लगा तब तो दोस्तों हम सब लोग बड़े परेशानी में आ गए कि यार अपने को तो गाँव गाँव घूमने की आदत है सेमिनार लेने की आदत है हम तो जिले में बड़े बड़े सेमिनार लेते हैं बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और अचानक से लॉकडाउन लग गया सब लोग घर पे हैं अपना इनकम आएगा क्या अपना क्या होगा लेकिन दोस्तों तभी उसी टाइम पे दोस्तों जूम एप्लीकेशन आ गया और अभी आप सब लोग झूम पे ही है सिचुएशन को हैंडल करना दोस्तों हमने शुरू कर दिया ऊपर से मैनेजमेंट से मैसेज कॉल आया अपलाइन से कॉल मैसेज आया कि अपन जूम पे भी लोगों को एक साथ कर सकते हैं देखो दोस्तों सिचुएशन कैसा बदल गया अचानक पांच हजार पांच हजार सौ लोगों की मीटिंग होती थी अचानक से मीटिंग बंद हो गई दोस्तों हम मैं भी डिप्रेशन में आ गया था क्यार दस लाख रुपए महीने से आप सीधा आ जाएंगे एक दो लाख रुपए महीने कैसे लग रहा था लेकिन दोस्तों अभी मैं आपके सामने इन लॉकडाउन का दोस्तों मेरा अचीवमेंट शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर तेईस मई से उन्नीस मई का दोस्तों मेरा ये का है। ये इनकम इनकम का का है है दोस्तों और ये दोस्तों मेरी टीम जहां जहां है दोस्तों वहां पे फुल लॉकडाउन अभी भी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों हमारा खानदेश एरिया में दोस्तों मैक्सिमम एक छोटे छोटे गांव में सो सौ डेढ़ सौ केस रोज के आ रहे हैं दोस्तों वहां पे भी रेगुलर अपना बिजनेस चल रहा है दोस्तों दोस्तों इंदौर आपको पता ही होगा लेना शुरू कर दिया उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया प्रमोशन शुरू कर दिया ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी उसका नतीजा दोस्तों ये हुआ कि हमारा दोस्तों इनकम बढ़ते गया बढ़ते गया और दोस्तों ये आपके सामने है

ये मेरा डैशबोर्ड का दोस्तों मेरा ये फोटो है ये दोस्तों मेरा एक हफ्ते का दोस्तों इनकम गया सॉरी इनकम नहीं दोस्तों मेरा एक हफ्ते का बिजनेस दोस्तों मेरा गया सॉरी प्लस बीवी एक हफ्ते का पैसों में दोस्तों देखा जाए ना नाइनटी फाइव लैख का दोस्तों मेरा एक हफ्ते का टर्न गया वो भी फुल लॉकडाउन में दोस्तों पूरा लॉकडाउन में दोस्तों ये दोस्तों टर्न गया दोस्तों मेरा और दोस्तों एक बात बताऊ देख रहे हैं ना जहां का क्लोजिंग आ, आया है फोर्टी सिक्स लाख रुपीस दोस्तों वो मेरा मनी लेग है दोस्तों मनी लेग से डबल सीलिंग कैश आउट दोस्तों थोड़ा सोचो आप लॉकडाउन में दोस्तों ये बिजनेस है जब सब कुछ बंद होने के बाद दोस्तों ये बिजनेस आप देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा सोचो जब सब कुछ ओपन जब होगा तब दोस्तों क्या होने वाला है क्या माय लाइफ के लीडर क्या धमाल करने वाले हैं अपने आर सीलिंग अच्छा बनने वाले हैं अपने एन सीलिंग अच्य बनने वाले हैं दोस्तों अपने एस भी सीलिंग अच्य बनने वाले हैं

और थोड़ा अपन ये मेरा लास्ट मंथ का रैंक इनकम है मेरा बोनस है जो दोस्तों हमारे जो सर आया और उन्होंने एक बात बताई कि आपको बाइनरी इनकम में आपके सेल्स के अंदर बोनस में आपको सीलिंग है सीलिंग कितना है अपना दो लाख दस हजार रुपए लेकिन दोस्तों मैं चार लेख पे काम कर रहा हूं दोस्तों मैं चार लेख पे काम कर रहा हूं और दोस्तों रैंक इनकम के लिए सीलिंग नहीं होता है रैंक इनकम के लिए दोस्तों सीलिंग नहीं होता है परफॉर्मेंस बोनस के लिए कोई सीलिंग नहीं होता है दोस्तों मेरा लास्ट मंथ का मंथली बोनस है दोस्तों थ्री लैख थर्टी वन थाउजेंड रुपीज तीन लाख इकतीस हजार दोस्तों मेरा सिर्फ मंथली बोनस है वो भी लॉकडाउन में दोस्तों ये ताकत है दोस्तों अपने प्लान की जो लीडर दोस्तों मुझे सुन रहे ना दोस्तों मैं एक ही बात उनको कहना चाहता हूं अपने प्लान को थोड़ा कैलकुलेशन के साथ में रीड करो दोस्तों अपना प्लान नंबर वन प्लान है अपने प्लान में इतने दोस्तों इनकम है आपको सभी इनकम दोस्तों आपको लेना है निचोड़ के दोस्तों पैसा कमाना है दोस्तों मेरा एक शॉर्ट अचीवमेंट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों फ्रॉम मंथ जब से दोस्तों बिजनेस की शुरुआत हुई है वहां से लेके दोस्तों अभी तक मंथ नंबर से लेकर दोस्तों सिर्फ पहला महीना गया दोस्तों कि जो महीने मैं, जो महीना दोस्तों मैंने बोनस अचीवमेंट नहीं किया दोस्तों उसके बाद दोस्तों मेरे पूरे करियर में दोस्तों मैंने एक भी दोस्तों महीना मैंने छोड़ा नहीं बिना बोनस का हर महीने बोनस जब मैं दोस्तों टीसी था ना तब भी दोस्तों में टीसी लेवल का बोनस अचीवमेंट करता था जब मैं एटीसी था दोस्तों तब भी मैं एटीसी लेवल का बोनस मांगता है मतलब मांगता है चाहिए मतलब चाहिए दोस्तों जो मुझे रैंक होल्डर सुन रहे हैं ना दोस्तों आज से ही आपको आज से दोस्तों आपको प्लानिंग करना है आपके मंथली बोनस की दोस्तों एक भी इनकम छोड़नी नहीं है आपको रैंक इनकम भी लेनी है बोनस भी लेना है लॉयल्टी भी लेनी है दोस्तों अपना प्लान को पहले समझो और दोस्तों महीने पहले ही दिन दोस्तों अपने प्लान को समझ लिया और दोस्तों ये इनकम आपके सामने है दोस्तों मेरा पिछला महीने का इनकम दोस्तों दस लाख रुपए क्रॉस है वन आईडी ओनली किसी को डाउट आप भी मैं पासवर्ड आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता हूँ दोस्तों दस लाख दोस्तों मेरा लास्ट मंथ का दोस्तों इनकम है दोस्तों ये ताकत है दोस्तों अपने कंपनी की ये दोस्तों ये आपके सामने है दोस्तों और मैं आपके सामने एक छोटा अचीवमेंट मेरा शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों जिस दिन दोस्तों मैं बिजनेस में आया ना दोस्तों आंख में दोस्तों आंसू आते हैं क्या यार क्या थे अपन दोस्तों मैं हुडको की जो स्कीम रहती ना दोस्तों हुडको स्कीम में दोस्तों मैं रहता था दोस्तों मेरे दोस्तों मकान का किराया था ₹560 वाकई में दोस्तों मेरे मकान का दोस्तों किराया था ₹560 और दोस्तों आप एक बात सोचो जिस लड़के का दोस्तों जिस परिवार का मकान का किराया पांच सौ साठ रुपए होगा वो मकान कितना आलिशान होगा ना वो मकान कितना आलिशान होगा दोस्तों ऐसे मकान में दोस्तों में रहता था लेकिन दोस्तों मेरे अंदर एक जीप थी दोस्तों में जिद्दी था दोस्तों मुझे बताने को बहुत खुशी हो रही दोस्तों दोस्तों में यही बिजनेस है दो, दोस्तों मैंने एक करोड़ का दोस्तों मैंने थ्री बी फ्लैट दोस्तों मैंने नासिक में दोस्तों मैंने लिया है थ्री बी एच के फ्लैट दोस्तों जो आप देख रहे हैं दोस्तों अभी अभी जिस घर में दोस्तों ये जो टॉप फ्लोर है दोस्तों दोस्तों मेरा फ्लोर पे, दोस्तों मैं रहता, हू। पे दोस्तों मैं रहता हूँ दोस्तों रहता दोस्तों आगे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों ये कमर्शियल दोस्तों शॉप है दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग है कमर्शियल शॉप है और दोस्तों उसके पीछे दोस्तों हम रहते हैं आगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और आगे हमारा रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो दोस्तों आगे जो दिख रहे हैं ना आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में दोस्तों वहां पे जो फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों वो पूरा फ्लोर दोस्तों हमने बुक किया हुआ है ढाई से तीन करोड़ में दोस्तों आयरे सर किशोर आयरे सर में और हम और एक लीडर है दोस्तों हम तीन पार्टनर है दोस्तों ये पूरा फ्लोर दोस्तों हमने बुक किया है वहां पे दोस्तों हम एक लग्जरियस ऑफिस बना रहे हैं और दोस्तों ये पूरा प्रॉपर्टी दोस्तों हम रेंट से भी देने वाले हैं वह से कम से कम दोस्तों डेढ़ से दो लाख रुपए महीने का हमारा इनकम और शुरू होने वाला है दोस्तों ऐसा कहते हैं ना एक बार कभी आदमी ने पैसा कभी कमा लिया एक बार कभी आदमी ने पैसा कभी कमा लिया तो आदमी क्या पैसा कमाएगा उतना पैसा पैसा कमा के देता है उतना पैसा पैसा कमा के देता है और दोस्तों आज फुल्ली दोस्तों पैसिव इनकम दोस्तों आज हम ले रहे दोस्तों ये अपने बिजनेस की ताकत है दोस्तों दोस्तों मेरे जैसे एक कॉमन लड़का आज नासिक में दोस्तों एक करोड़ का प्रॉपर्टी मेरे गांव तरफ दोस्तों कम से कम मेरे दोस्तों, करोड़ के दोस्तों मेरे प्लॉट से गांव में दोस्तों मेरे पास बंगला है उसकी कीमत अस्सी से नब्बे दो हजार पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस में चार पांच साल में इतना बड़ा परिवर्तन जीरो से लेके हीरो बन गए दोस्तों ये सिर्फ हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एकमात्र कंपनी है जिस कंपनी का नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों बाहर कहीं नहीं होगा ये दोस्तों सिर्फ अपने साथ ही होगा ये दोस्तों मेरा हाउस मेरा ड्रीम हाउस दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों लग्जरियस आज के छह साल पहले खुद का मकान नहीं था दोस्तों लेकिन दोस्तों ये इस बिजनेस में हो सकता है ये हर एक के लाइफ में दोस्तों हो सकता है वो दोस्तों उन्हीं के बाद दोस्तों फॉरेन टूर भी दोस्तों मैंने बहुत किया पैसा कमाया इंडिया में और उड़ाया फॉरेन में और पैसा उड़ा वही सकता है जो कमाने की ताकत रख सकता है नो। पैसा वही उड़ा सकता है जो कमाने की ताकत रख सकता है दोस्तों फॉरेन में भी दोस्तों हमने बहुत एंजॉयमेंट किया दोस्तों पांच पांच कंट्री का सफर ट में दोस्तों किया हुआ है पांच पांच कंट्री का सफर देखो दोस्तों ऐसा दोस्तों मान सम्मान दोस्तों हमको बाली में मिला था ये बाली मेरा सम्मान कर रही है बाली में और ये कहा होगा भाई इंडिया में इतना पैसा कमाने के बस किसी ने सम्मान मतलब देखो ये फॉरेन में ऐसे सम्मान होते दोस्तों फॉरेन टूर क्यों करना चाहिए ऐसा सम्मान दोस्तों होता है फॉरेन में इसलिए टूर अचीवमेंट करना चाहिए ये दोस्तों बाली के फोटो है जहाँ पे सी टी सी दोस्तों हमारा मीटिंग हुआ था सेवन स्टार होटल में दोस्तों हम रुके थे दोस्तों उसके बाद मलेशिया दोस्तों टूर हुआ अपने कंपनी का ओ ये फोटो का सर है हाँ ये मेरी फ्रेंड मलेशिया की हाँ उसके बाद दोस्तों ये <laughs> फुल एंजॉयमेंट दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट सर दोस्तों ऐसी लाइफ आप जीना पसंद करोगे ऐसी उड़ती लाइफ आप जीना पसंद करोगे तो दोस्तों आ जाओ माई लाइफ में आपका स्वागत है दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों माय लाइफस्टाइल में दोस्तों ऐसी जिंदगी क्या लाइफ है दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत शानदार तीन साल चार साल थोड़ी मेहनत करो जी जान के साथ दोस्तों मेहनत करो हंड्रेड परसेंट दोस्तों ये आपके साथ भी होगा माय ड्रीम कार लैम गिनी मेरे बच्चे को अभी पूछा ना बेटा तुझे कौन सी कार लेनी है वो अभी से बोलता है लैम्बोर लूंगा उसको पता है उसका बाप खतरनाक है पहली बात तो मुझे ये प्राउड है सर साल, दो ढाई दो साल, साल, दो साल का लड़के को लैमबोर की नहीं पता चल गए मुझे बी एस सी एम एस सी तक मर्सडीज क्या होते वो भी पता नहीं था दोस्तों दोस्तों इतना एडवांस टेक्नोलॉजी दोस्तों दोस्तों दोस्तो, ये ताकत है आप देख रहे हैं ना दोस्तों ये सम्मान दोस्तों मेरा हुआ था मलेशिया में दोस्तों दोस्तों ये मलेशिया में दोस्तों मेरा सम्मान हुआ दोस्तों एक गांव का लड़का एक गांव का लड़का दोस्तों जिसका सम्मान हो रहा है मलेशिया में वो भी ट्विंस टावर पे दोस्तों बहुत आंखों से दोस्तों आंसू भी आए कि क्या थे अपन और क्या हो गए माय लाइफ के कारण दोस्तों ये देखो फोटो है दोस्तों उन्हीं के साथ में दोस्तों मलेशिया टूर हुआ दोस्तों दुबई टूर हुआ श्रीलंका टूर हुआ दोस्तों ये सभी टूर दोस्तों मैंने फोकट में अपने कंपनी से दोस्तों किए हुए दोस्तों मैं एक ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों ये यदि मेरे साथ में होगा ना हंड्रेड परसेंट आपके साथ भी होगा लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं है आप सोच रहे हो सर आपने इतना पैसा कमाया क्या आपकी टीम में किसने पैसा कमाया यस माय डियर फ्रेंड्स कमाया है अभी दोस्तों मैं मेरा टीम का अचीवमेंट की बात करने वाला हूं मेरी अचीवमेंट की बात तो हो गई दोस्तों अभी मेरे मैं मेरी टीम की अचीवमेंट की बात करने वाला हूं दोस्तों आज मेरे टीम में तीन एन है और तीनों सीलिंग अचीवर है दोस्तों उसमें से एक एन डबल आईडी डी है दोस्तों उसके बाद दोस्तों मेरे टीम में दो सौ लोग ऐसे है जिनके पास खुद की फोर व्हीलर कार है दोस्तों अपन अकेला बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है अकेला बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन लोगों को बड़ा करना यह बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों दोस्तों आज मेरे टीम में 200 सौ लखपतिज है दोस्तों मेरे टीम में आज 300 लोग फॉरेन टू रचुवर्स है 300 लोग फॉरेन टू रचुअर्स दोस्तों में पिछले दो साल पहले दोस्तों डेढ़ सौ लोगों को दोस्तों दो सौ लोगों को दोस्तों में बैंकॉक पटा लेके गया था कई लोगों को दोस्तों में अभी 40 लोगों को दोस्तों में दुबई लेके गया था मलेशिया लेके गया देखो दोस्तों एक कॉमन लड़का mm. इसके mm. पास भरने के लिए पैसा नहीं था लेकिन mm. वो लोगों की लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, दोस्तों, है दोस्तों, उसके दोस्तों, दस हजार लोग दोस्तों मेरे टीम में ऐसे हैं जो दोस्तों डोमेस्टिक टूर अचीवर्स है दोस्तों, मैं हर साल दोस्तों में दोस्तों, साल में दोस्तों तीन टूर देता हूं टीम को फिर वो जम्मू कश्मीर भी होता है गोवा भी होता है ऊटी मैसूर भी होता है हैदराबाद भी होता है दोस्तों में ऐसा अल्टरनेट देता और दोस्तों उसमें से दोस्तों में अभी तक के पिछले पांच साल में दोस्तों दस हजार लोगों को दोस्तों में डोमेस्टिक टूर का डोमेस्टिक दो, सफर किया दोस्तों बाय से दोस्तों ये बिजनेस में दोस्तों ब्लेसिंग है ब्लेसिंग दोस्तों इस बिजनेस में आशीर्वाद है आशीर्वाद दोस्तों हमारे एक जेब में पैसा है लेकिन दोस्तों दूसरे जेब में दोस्तों लोगों की दुआएं है दोस्तों यहाँ पे कई बंदा अकेला बड़ा बनता नहीं है दोस्तों इस बिजनेस की ये ब्यूटी है यदि दोस्तों आप इस बिजनेस में एक लाख रुपए कमाएंगे ना दोस्तों इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है थोड़ा तो समझ लो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस में एक लाख रुपए कमाएंगे ना तो आपकी वजह से दोस्तों सौ लोगों के घर में हजार रुपए जाएंगे सो लोगों के घर में हजार रुपए गए तो ही आपके घर में एक लाख रुपए आएंगे यदि आपके अकाउंट में दोस्तों एक करोड़ रुपए आए यदि आप इस बिजनेस में करोड़पति बने ना तो दोस्तों सौ लोगों के घर में एक एक लाख रुपए जाएगा तो आपके घर में एक करोड़ रुपया आएगा दोस्तों आज मोहित टंडन सर दुर्गेश त्रिपाठी सर रत्नेश तिवारी सर दोस्तों आज उनको कितने ब्लेसिंग मिल रहे जो हमारे एन लीडर से पांडे सर अमित पांडे सर दोस्तों उनको कितने ब्लेसिंग मिलते हैं उनके एक डिसीजन के बावजूद आज वी फैमिली में दोस्तों कितने लोग पैसा कमा रहे हैं कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है कितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं दोस्तों मैंने अभी सर को दोस्तों मैंने मैंने अभी सुरेश को सुना कि आप बंदा ही बने बर्थडे के दिन रियली कॉन्ग्रेचुलेन सर दोस्तों ये दोस्तों आपकी लाइफ में भी होगा दोस्तों आपकी वजह से भी लोग करोड़पति बनेंगे दोस्तों आपका अंदर दोस्तों ये विश्वास होना चाहिए दोस्तों यही दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों मैं एक विश्वास आज आपको देना चाहता हूँ आपने दोस्तों मेरे सभी फोटोज मैंने आपने देखे दोस्तों मैं जब दोस्तों बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं बाईस साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत की थी एज ऑफ ट्वेंटी एट दोस्तों मैंने में करोड़पति में बन गया दोस्तों एज ऑफ ट्वेंटी एट जिस उम्र में लड़के रिज्यूम लेके घूमते हैं जिस उम्र में लड़के जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेके घूमते हैं दोस्तों उस उम्र में दोस्तों में इस बिजनेस में करोड़पति दोस्तों में बन गया दोस्तों ये ताकत है दोस्तों माय लाइफस्टाइल की और दोस्तों mm. में एक ही बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ इफ आई कैन सो यू कैन अलसो दोस्तों यदि मैं खुद ये बिजनेस कर मैं कर सकता हूँ मेरे जैसा एक माया में पैसा पैसा चाहिए तो लगाना लगाना भी क्या पड़ेगा पैसा लगाना पड़ेगा तो भी दूसरे दिन, उस दिन उसको वो हिलाता है तब जाके उसको भीख मिलती है चला तो मतलब भिखारी को भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है पैसा कमाने के लिए तो दोस्तों आपने को भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आप इस बिजनेस में आइए विश्वास के साथ में दोस्तों काम कीजिए पूरा वी फैमिली आपके साथ में है इतना जबरदस्त ग्रुप आपके साथ में है दोस्तों आप काम कर रहे हैं दोस्तों जाते जाते दोस्तों में एक ही बात में बोलना चाहता हूँ दोस्तों में एक ही बात बोलना चाहता हूँ और मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर डालते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय माय लाइफ स्टाइल थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू। यूम जबरदस्त शानदार बहुत बोहत बोहत वी परिवार के से तर, ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर रहे बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि कुएं के पास में ही प्यासा जाता है तो आप सभी को जिन्होंने आपको आज कॉन्टेक्ट में कनेक्ट कराया प्लीज उनका हाथ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि आपने अभी जो सर को सुना ना माइडर कोई भी शब्द नहीं है सर के लिए थैंक यू सर दिल से आपको आप लव स्टाइल और वी फैमिली के यूट्यूब लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू मोहित सर थैंक यू लता मैम थैंक यू दुर्गेश सर थैंक यू थैंक यू